हाय गाइस, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं टिकट 6 और ये है रियलमी बर्ड्स एयर। गाइस, ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, मैंने इसे अच्छे से काफ़ी यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपके सामने ये रिव्यू ला रहा हूँ। तो हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये 3,500 से 4,000 के बीच में ये लेना चाहिए कि नहीं, और मैं पहले ही बता दूँ कि ये रियलमी बर्ड्स नियो से अच्छा है। तो यस, जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका जो केस है, इसका हिंज भी मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा हिलता है बट अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं बंद करके, ये आवाज़ सुन रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहती है। तो अच्छा है बिल्ड क्वालिटी केस का और ईयरबड्स दोनों का ही, और यहाँ पे बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड से रिसेंबल करता है। और केस और ईयरबड दोनों ही काफ़ी हल्का है। कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो ईयरबड है ये A4 साइज के पेपर से भी हल्का है, और हाँ आप ये कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं इसे कानों में पहनूंगा तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और आप इसे आराम से 2-2.5 घंटे पहन के यूज़ कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये एक अच्छा ईयरबड है। तो अब अगर हम साउंड क्वालिटी की बात कर ले तो हमें इसमें 13mm का ड्राइवर मिल जाता है, एंड हाँ जी, इसका बेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप बेसी गाने सुनते हो तो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा बेस है। और मेन ये मिड्स इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे मेन पॉइंट यही लगा कि इसका मिड्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे हाई वॉल्यूम में भी सुनोगे तो आपको लाउडनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आपको म्यूज़िक में डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। वोकल्स भी काफ़ी हद तक क्लियर रहते हैं। रियलमी के मुझे साउंड सिग्नेचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड यस, ये अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो और अगर आप मूवीज़ देखते हो बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे रियलमी ने हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया है इसमें, और कॉल क्वालिटी इसके कारण काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन भी मिलता है, तो कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किए है कॉल क्वालिटी के, तो आप एक बार सुन लो। तो गाइस, अभी ये ईयरबड कनेक्टेड है मेरे फोन से और मैंने कॉल किया हुआ, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप सुन सकते हो कॉल की क्वालिटी कैसी है। और वैसे फिट भी काफी अच्छा है, तो अगर मैं थोड़ा सा अगर हिला के भी दिखाऊं तो ये नहीं गिरेगा, और फिट अच्छा है। और कॉलिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम में रखना पड़ेगा 90% में, तब आपको ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी। तो जैसा कि आपने देखा, कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पीछे काफी आवाज हो रहा था, उसके बावजूद काफी क्लियर है, और नॉइस काफ़ी हद तक कैंसिल कर दे रहा था। तो अगर आप कॉलिंग के लिए भी ये लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली इसे रिकमेंड करूंगा। और यहाँ पे हमें इसके ईयरबड्स में टच जेस्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट हाँ, यहाँ पे मुझे इसका थोड़ा इसे बैक कर सकते हो। अगर टच जेस्चर्स की बात करूँ ना, तो ट्रिपल टैप, डबल टैप सारे फीचर्स है। अगर आप इसे डबल टैप करते हो तो प्ले पॉज हो जाता है, एंड इसमें इन ईयर फंक्शन भी है। अगर आप इसे कानों में पहनोगे और कुछ देख रहे हो, और अगर आप कानों से निकालते हो तो वो पॉज हो जाएगा, फिर कानों में डालोगे तो प्ले हो जाएगा। और हाँ जी, ये हर बार काम कर रहा था, काफ़ी एक्यूरेट है। बट इसका टच जेस्चर्स आउट ऑफ 10, मैं अगर 10 बार इसे यूज़ कर रहा हूँ, टच जेस्चर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 5 बार ही इसका फीडबैक आ रहा है वापस, उसके अलावा ये मैं मिस कर जा रहा हूँ। उसके अलावा हमें यहाँ पे गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप दोनों ईयरबड को लगाते हो और दोनों ईयरबड को थोड़ी देर आप इसे टच करके रखोगे तो ये गेमिंग मोड में चला जाएगा, और उसके हिसाब से लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है लेटेंसी। बनी क्लेम करती है कि आप इसकी लेटेंसी को 51% तक कम कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेटेंसी कम हो जाती है, आपको वीडियोज़ एंड उसके जो वोकल्स रहते हैं उसमें मैच काफ़ी हद तक मिल जाएगा। तो अगर आप मूवीज़ देखते हो, गेम करते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। बट हाँ, आप एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि टच जेस्चर्स, अब पता नहीं सिर्फ मुझसे अच्छे से काम नहीं कर रहा था या क्या है, बट मैंने जब भी यूज़ किया तो टच जेस्चर्स उतना बेटर काम नहीं किया है। उसके अलावा अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो यहाँ पे हमें केस में वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलता है, एंड टाइप सी भी है। वायरलेस चार्जिंग एक एडेड फीचर आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट टाइप सी दिया है, ये एक अच्छी बात है। और कंपनी क्लेम करती है कि 17 घंटे का टोटल बैकअप मिल जाता है,
और हाँ, मुझे भी 15 घंटे का बैकअप मिला, बट एक चीज़ है कि लाइक अगर आप इसे इसके एयरबड को फुल्ली चार्ज करके आप लगाते हो और सुनते हो, तो हाँ अगर आप लाइक बहुत कम वॉल्यूम में सुनोगे, 50% में सुनोगे, तो आपको अच्छा बैकअप मिल जाएगा। बट मैंने 80 से 90% में सुना तो मुझे 2 घंटे 10 मिनट का मैक्सिमम बैकअप मिला, और ये मैंने दोनों बार टेस्ट किया और मुझे दोनों बार 2 घंटे 10 मिनट के अराउंड ये दोनों डिस्चार्ज हो गया, मुझे फिर चार्ज में लगाना पड़ा। तो बैटरी बैकअप मुझे यहाँ पे ईयरबड्स का कम लगा, लाइक पर्टिकुलरली सिर्फ ईयरबड्स का अगर आप देखो तो मुझे इस प्राइस रेंज में मुझे बैटरी बैकअप थोड़ा कम लगा। लाइक अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो आई थिंक 2.5 आवर्स का बैटरी बैकअप एक लाइक स्वीट स्पॉट होता है इस प्राइस रेंज में, या 3 आवर्स या मिनिमम 2.5 आवर्स, बट इसमें सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट का बैटरी बैकअप मिला, तो लाइक मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड अंडर 4000 हो सकता था, बट मेरे लिए लाइक वो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। टचलेस वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, और इसका ये वाला फीचर है लाइक आप इसे कान में रखोगे या निकालोगे तो प्ले पॉज हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। और उसके अलावा मुझे टच जैसे से ज़्यादा लाइक शिकायत नहीं है, बट बैटरी बैकअप आई थिंक 2.5 आवर्स का या 3 घंटे का तो होना ही चाहिए। और अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ, आप इसके केस में रखोगे अच्छे से चार्ज होगा और मैग्नेटिकली अटैच होता है, और अगर मैं इसे हिला के भी दिखाऊँ तो ये गिरेगा नहीं बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। और केस इतना छोटा है तो हाँ जी ये पोर्टेबल है, आप आराम से इसे पॉकेट में रख के घूम सकते हो, पता भी नहीं चलेगा। वहीं पे अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये कस्टम R1 चिप के साथ आता है और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लाइक पहली बार अगर आप इसे पेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे छोटा सा बटन मिलता है, वो दबा के रखना है और पेयर हो जाएगा, और उसके बाद आप कभी भी कनेक्ट करते हो, आप इसे खोलो कान तक लाते लाते कनेक्ट हो जाता है, और ये हर बार काम कर रहा था, तो ये एक लाइक अच्छी चीज़ है कि ये हर बार काम कर रहा है। तो हाँ, मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप बैटरी बैकअप आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप म्यूज़िक सुनते हो या कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा। एंड इसकी लाउडनेस भी इतनी है कि लाइक आपको बाहर का आवाज़ सुनाई नहीं देगा अगर आप इसे फुल वॉल्यूम में सुनते हो, तो नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन, बट हाँ लाउडनेस वैसी है कि आपको बाहर का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो आप इसे लाइक बहुत लोगों को ये पसंद आता है ऐसा, और बहुत लोग को चाहिए कि बाहर का आवाज़ सुनाई दे एंड ट्रांसपेरेंसी रहे थोड़ा, तो उसके लिए एक ईयरबड मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, जेब्रा इलाइट 65T, वो भी इसी प्राइस रेंज के अंदर ऑफर में रहता है तब आता है, वैसे तो उसका प्राइस 6000 के अराउंड है, बट अमेजोन में फ्रीक्वेंटली ऑफर में रहता है तो उसका प्राइस 3999 रहता है। मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, ये एक अच्छा ईयरबड है और मैं इसे रिकमेंड करूंगा, लाइक सारे यूजर्स को नहीं, बट जो लाइक उनको बैटरी उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है उनका, तो उनके लिए 110% रिकमेंड करूंगा। बट जिनको लाइक बैटरी बैकअप थोड़ा चाहिए, लाइक वो ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा ये। और गाइस, ये रिव्यू यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।